तो ये रहे कुछ टिप्स पैराजंबल के जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज डे 48 है मेरे 130 डेज चैलेंज का। एंड अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा, आप उसे जाकर चेक कर सकते हो। एंड आज के इस पर्टिकुलर व्लॉग की मैं बात करूँ तो आज भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। सबसे पहले मैं जाकर करता हूँ मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन करने के बाद मेरे घर पर ना थोड़े बहुत कुछ काम बाकी है, जैसे बर्तन साफ करना है, दूध उबालना है। ये सारे काम को करने के बाद मैं करूँगा अपनी डे की प्लानिंग। तो मिलता हूँ मैं आपसे डे प्लान के टाइम। अभी के लिए बाय बाय। सो आई एम रेडी विथ माई डे प्लान। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ रखा है मैंने आज के पढ़ाई के लिए। तो मैंने सिर्फ दो टॉपिक रखा है आज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मुझे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, एंड दूसरा टॉपिक मुझे पैराजंबल आज स्टार्ट करना है। ये मैं फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब इससे पहले पैराजंबल मैंने बस थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो अभी मैं आज पैराजंबल पढ़ने वाला हूँ। तो यही है मेरा आज का डे प्लान। जाता हूँ सबसे पहले फटाफट अपने पहले टास्क की ओर, मुझे पैराजंबल पढ़ना है। तो पहले पैराजंबल पढ़ता हूँ, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। फिलहाल के लिए बाय बाय। तो ये रहे कुछ टिप्स पैराजंबल के क्वेश्चंस से रिलेटेड जो मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पैराजंबल टॉपिक लिखा, उसके ठीक बगल में मैंने लिखा है 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, यानी कि आपको इसमें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि इसका जो एक्यूरेसी, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन, आपका एक्यूरेसी इसमें कम ही रहने वाला है। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसमें 2 मिनट से ज़्यादा मत देना अपने एग्जाम टाइम में एंड ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑल्सो। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा पैराजंबल को सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या कोई पर्टिकुलर सेंटेंस एक स्टार्टर हो सकता है या वो फॉलोवर है। स्टार्टर मतलब क्या इस सेंटेंस से हम एक पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। तो वैसे सेंटेंसेस जो प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहे हों, या हाउएवर, इंस्टेड, ऑल्दो, दे, ये सारी चीज़ों से अगर वो स्टार्ट हो रहे हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो वो कभी भी स्टार्टर नहीं हो सकते। आप उस सेंटेंस से कभी भी कोई पैराग्राफ स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैराजंबल को सॉल्व करने के लिए। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में एक से ज़्यादा प्रोबेबल स्टार्टर हो सकते हैं, तो जब आप इस अप्रोच को अप्लाई कर रहे होगे तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, राइट। तो जब आपने दिए गए क्वेश्चंस में जो सेंटेंसेस हैं उनको बाइफर्केट कर लिया है कि इसमें से कौन सा स्टार्टर होगा, कौन सा फॉलोवर होगा, तो आप अब सेकंड स्टेप की ओर जा सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको किसी 2 सेंटेंस के बीच में लिंक देखना है कि क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या नहीं, या ये पहले आएगा या ये इसके बाद आएगा। जैसे नाउन एंड प्रोनाउन एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकता है आपके लिए कि पहले नाउन आएगा तब उसके बाद प्रोनाउन यूज़ होगा सेंटेंस में, तो ये एक चीज़ है। या आप क्रोनोलॉजिकल इंडिकेटर जैसे डेट को आप देख सकते हो, पहले फरवरी आएगा तब जाके मार्च वाले सेंटेंसेज आएंगे। सपोज़ एक सेंटेंस में फरवरी यूज़ किया गया है डेट के तौर पर, एंड एक सेंटेंस में मार्च को यूज़ किया गया है, तो फरवरी वाला पहले आएगा उसके बाद मार्च वाला आएगा। एंड आफ्टर दैट पूरा नाम पहले आना चाहिए, उसके बाद आप शॉर्ट नेम्स यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज़ किसी सेंटेंस में यूज़ किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, राइट, एंड सेकंड सेंटेंस या थर्ड सेंटेंस में यूज़ किया गया है सिर्फ टैगोर, तो रविंद्रनाथ टैगोर पहले आएगा सेंटेंस में, एंड उसके बाद जिस भी सेंटेंस में टैगोर यूज़ हुआ है वो उसके बाद आएगा। तो यह है कुछ पैराजंबल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक, एंड जो आपके लिए शायद हेल्पफुल हो सकते हैं, एंड मैं यही मेथड अभी यूज़ करने वाला हूँ सॉल्व करने के लिए। हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे यार, मेरा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरा ये ओपिनियन बन रहा है कि मैं जब एग्ज़ाम में बैठूँगा तो वर्बल सेक्शन में ना मैं पैराजंबल को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर रखूँगा, उसके जगह पर जो ऑड वन आउट का जो क्वेश्चन रहता है या समरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं मैं वो प्रीफर करूँगा।
रेदर देन पैरा जंबल। एंड ये भी हो सकता है यार कि अभी मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे हैं, तो मैं अगर ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरा एक्यूरेसी थोड़ा इन्हांस हो जाए, बट इट विल कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस। एंड मैं थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचूंगा कि हाँ मुझे पैरा जंबल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या एग्जाम में या नहीं करने हैं। सर अभी 2:30 बज रहा है और आज का जो मेरा पहला टास्क था पैरा जंबल मुझे पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया है, तो जो उसके नोट्स है ना मैं आगे वीडियो में उसके शेयर कर दूंगा। तो अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ अपना लंच करने, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा था, सिर्फ थोड़ा सा दही खा लिया था मैंने, तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ घर जाने के लिए। एंड लंच करने के बाद मैं सीधा भागूंगा अपना ब्लॉक, और ब्लॉक में जो मुझे सर्टिफिकेट बनाने वाला काम करना है वो कर लूंगा। मिलता हूँ मैं आपसे अब लंच करने के बाद। तो यार वो जो कास्ट सर्टिफिकेट जो मुझे बनाना था वो काम आज भी नहीं हुआ, मैम ने कहा कल तक हो जाएगा। तो मैं वापस आ गया और मैं वापस आने के बाद मैंने आज का लंच करा, मतलब यार लगभग 4 बजे मैंने खाया है। ये हमारा नया मेंबर है घर का, किट्टू, इसका नाम हमने रखा है किट्टू। ए किट्टू, अरे अरे कैसा है कैसा है जरा कमेंट करके बताना भाई। काट रहा है। सो दैट्स इट गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर मेरे पैरा जंबल वाले टिप्स आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कर बताइएगा एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे कल के ब्लॉग में एक नए चैलेंज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड यस सी यू टुमारो। तो उसके जो नोट्स हैं ना वो मैं आने वाले आगे वाले अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो उसके जो नोट्स है ना वो